press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो वो नहीं रहती थी उनके पास और वो गैर में रहती थी गैर के ऊपर वाले कमरे में रहती थी तो मैं वहाँ गया तो उनसे पूछा वो कहते कॉलेज गई हुई है तो कॉलेज गया तो प्रिंसिपल से मिला तो उनको कहा जी मुझे कल्पना से मिलाओ तो वो लेके गए मुझे एक उसमें रूम में जहाँ क्लास पढ़ा रही थी कल्पना कल्पना मेरे पढ़ा रही थी कल्पना जब मैं नहीं आया वक़्त पर वापस से तो उसका टाइम जो था उसको लगता है कि मेरा पापा तो बिजी है तो इतने कुछ नहीं मुझे करके देना तो मेरा तो टाइम निकल गया उसको एडमिशन मिली हुई थी दो यूनिवर्सिटी से अमेरिका से तो वो उसकी डेट थी लास्ट 31 अगस्त मैं यहाँ वापस आया था 28 अगस्त को कल्पना के पास था सवेरे 10 बजे 11 बजे तो उसने क्लासरूम में वो प्रिंसिपल मुझे जब मैं प्रिंसिपल साहब से मिला तो मैंने कहा जी चल कल चावला से वो कल्पना से मिल रहे हैं मुझे जानते थे वो तो मेरी तरफ देख के अपने एक दोस्त उनके साथ बैठे हुए थे उनको इशारा करके कहते हैं इनको जानते हो मैं खड़ा हुआ था इससे दूर में ये मिस्टर चावला हैं इनके पास पैसा है और कुछ नहीं है तो मैंने जब ये सुन लिया तो मेरे पसीने छूट गए और वो मुझे कहते हैं आओ जी चावला साहब बैठो आपको मिला देते हैं मैंने कहा जी अब मुझे बैठना नहीं है मुझे मिला दो कल्पना से तो उनको महसूस हुआ कि भाई माहौल गर्म है तो उठे वो मुझे साथ लेके तो उस रूम में ले गए रूम में बाहर हम गेट में खड़े थे तो वो अपनी घड़ी देख के कहते हैं कि सिर्फ इनका 5 मिनट का बाकी टाइम है तो इनको कर लेने दो उसके बाद हम मिलते हैं तो मैं खड़ा हो गया तो वो मुझे कोशिश करते हैं अपने साथ अपने ऑफिस में ले जाने की मैंने कहा नहीं जी मैंने आपके साथ नहीं जाना मैं यहाँ ही हूँ वो मेरे साथ ही खड़े रह गए 5 मिनट गुजर गए तो उसने जब चाक रखा घूमी तो सामने मैं खड़ा हुआ था उसी दरवाजे से उसने किया भाग के आई और मुझे चिपक गई और सिसकियाँ भर भर के रो रही है कहती है पापा आपने मेरा कैरियर खराब कर दिया मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मैंने क्या गुनाह किया तो मैं उसको पूछता हूँ बेटे मुझे बताओ मेरा क्या गुनाह है वो कहते पापा आपके पास टाइम ही नहीं है 2 महीने में करनाल रही हूँ रात को 10 बजे आ जाते थे 1 मिनट हेलो मैं करती थी मेरा मन ही नहीं करता था आपसे बात करो थके बैठते थे तो फिर मेरा करियर आपने ख़राब कर दिया और रो रही है मैंने कहा मुझे बताओ मेरा गुनाह तो छोड़ दिया और फिर वो गई और वो आई और वो फोल्डर लेके आ गई 2 चिट्ठियाँ थी उसके वो मैंने खोल के पढ़ ली मेरी आंखों में आंसू एक चिट्ठी में तो उसने लिखा हुआ था कि हम ये सब्जेक्ट फॉरनर को नहीं पढ़ाते आपका कैरियर देखते हुए आपको हम एडमिशन दे रहे हैं और लास्ट डेट 31 अगस्त थी और आज 28 अगस्त है तो मैं जब मेरी आंसू निकल गए तो अब कल्पना का पारा जो था वो डाउन आ गया तो अब कहती पापा आप छोड़ो अब वक़्त गुजर गया अब मैं अगले साल जाऊंगी अब मुझे नौकरी मिल गई है यहाँ उसने क्या किया कि जब मैं बता गया था कि मैं इतनी देर में वापस आ जाऊँगा तब तक तो इंतज़ार की तो आया नहीं वापस माँ को कहती है मैं चली कहाँ चली मैं तो चंडीगढ़ चली गई जाके उनको कॉलेज को रिक्वेस्ट की कि मुझे कोई नौकरी दे दो तो उन्होंने उसको उसी कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी दे दी 23 दिन उसमें पढ़ाया जिस दिन मैं गया और जब वो रो ली तो मैंने उसको कहा बेटे मैं तुझे अब कहता हूँ कि तू चल कहती ना मेरे पास पासपोर्ट है ना वीज़ा है ना मैं अब मेंटली प्रिपरेशन हूँ तो मैंने कहा बाकी बातें तू मेरे पास छोड़ दे तो तू मेंटली प्रिपेयर हो तो उसने एक सेकंड नहीं लगाया कहती यस चलती मैंने उसको पकड़ा ले गया उनके पास प्रिंसिपल के पास
बाहर से ही मैंने आवाज़ दी, प्रिंसिपल साहब आपकी जो कंडीशन है वो बताइए और उसको रिलीव करने के लिए जो कुछ चार्जिंग है वो बताइए। वो कहते हैं नहीं 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 कोई चार्जिंग नहीं, आप लिखो रिज़ाइन लिखो। मैंने कहा कागज़ दो, कागज़ लिया, रिज़ाइन कल्पना को लिखना शुरू किया। जब उसने लिख लिया तो नीचे साइन करने लगी तो कलम को रोक लिया, रोक के कहती है पापा मेरी तरफ से कि पापा मुझे करनाल तो नहीं ले जाओगे, मेरी नौकरी तो नहीं छुड़वाओगे। मैंने कहा नहीं बेटे, मैं तुझे कल अमेरिका छोड़ के आऊँगा, साइन कर दी। वहाँ से ही मैंने उसी वक्त, मेरे उस वक्त बहुत किंग था मैं, एक जमाना था मैं बिल्कुल भूखा नंगा, बिल्कुल रोटी से भी मोहताज था और उस वक्त मैं किंग था, मेरे जैसा कोई भी नहीं था। वहाँ से मैंने टेलीफोन किया और उनको कहा मुझे पासपोर्ट अभी चाहिए, कहते अभी लो जी अभी लो। उसी वक्त पासपोर्ट मैंने ले लिया, एक घंटे में, एक घंटे में पासपोर्ट लेके चार बजे हम वापस भी आ गए करनाल। करनाल उसकी माँ वो भी इंतज़ार कर रही थी, उसका बाप गया हुआ है तो कोई गोल खेलेगा, उसको भी नहीं पता था कि वो पढ़ा रही है। तो जैसे हम पोर्च में गाड़ी खड़ी हुई तो उसको इंतज़ार थी, तो गाड़ी की आवाज़ उसने सुनी भागती हुई बाहर को आई, तो हमने शीशा भी खुला ही था नीचे किया था, तो कहती हाँ हाँ कल्पना आ गई। मैंने कहा कल्पना आई नहीं, कल्पना तो गई। फिर कहाँ गई? मैंने कहा कल इसको अमेरिका छोड़ के आऊँगा। तो अंदर अमेरिका छोड़ के आए? हाँ जी, अमेरिका मैंने जब कहा छोड़ के आओ, उसका भाई पीछे से अंदर से आ गया, पापा आप रात को तो आए हो अमेरिका से, मैं इसको छोड़ा था। मैंने कहा बेटे अभी इसका वीज़ा लेना है, कहते मैं वीज़ा कल ले लूँगा। तो 29 तारीख को दोनों को भेज दिया मैंने दिल्ली, वीज़ा ले लिया, आज रात की टिकट ले ली और शाम को 4 बजे करनाल वापस आ गए, टिकट ओके, सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट और अपना पैकिंग करके, तो वो भी दोनों और दोनों हम उसके माँ बाप चारों जने फिर रात को हम दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुँच गए, आके सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करा के उनको चढ़ा दिया। और जहाज़ जब स्टेप में गया तो वो आपको शायद पता होगा कि जहाज़ वहाँ स्टेप पे जब फाइनल रन करनी होती है ना तो वो 1-2 मिनट के लिए खड़ा कर देते हैं, खड़ा करके सारे गैजेट चेक करते हैं। तो वो जो गैजेट चेक किए उन्हें, उनको कोई फॉल्ट मिल गया और उन्होंने 3 घंटे के बाद अनाउंस किया कि जहाज़ तो खराब है, ये नहीं जाएगा, और सारे पैसेंजर निकाल के ओबराय कॉन्टिनेंटल पे ले गए। 3 घंटे के बाद जब वो अनाउंसमेंट हुई तो मुझे पता चला कि पैसेंजर सारे जो हैं वो निकाल के तो ओबराय कॉन्टिनेंटल होके चले गए। मैं फिर बात आ गया रात को 2 बजे, तो वहाँ जाके देखा तो दोनों अपना जो उनको रूम मिला हुआ था बैठे हुए, तो हंस रहे हैं बहन भाई, तो मुझे देख के कहती पापा आप क्या कर लोगे? मैंने कहा तेरी एडमिशन खुदा भी नहीं रोक सकता, तो मुझे अपने डॉक्यूमेंट ज़रा दे मुझे समझा। तो मैं डॉक्यूमेंट लिए दोबारा, उनके रेफरेंस लिए कि किस जगह जाना है, कौन सा कॉलेज का नाम है, क्या उसकी चिट्ठी का रेफरेंस है, डेट है, वो सारे नोट करके। तो मेरा हेड ऑफिस दिल्ली था, सवेरे 4-5 बजे मैं अपने हेड ऑफिस आ गया, उनको तो वहीं जब छोड़ा ना ओबराय कॉन्टिनेंटल में, तो वहाँ आके अपने चपरासी को जगाया, उसको कहा ज़रा टेलीफोन सीधा कर, उन दिनों इतनी टेलीफोन की फैसिलिटी नहीं थी, लाइटनिंग कॉल की एक फ्रेंड को अपने को शिकागो, और वो भी उस वक्त सोया हुआ, तो उसने जाके वो लाइटनिंग कॉल ली। तो मैंने उसको कहा और बातें बाद में करेंगे, पहले तो लिख ली ये बातें, उसने लिखनी शुरू की, तो कुछ बात लिख ली और थोड़ी सी बात रह गई और टेलीफोन का टाइम ख़त्म हो गया लाइटनिंग का और उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से दोबारा कॉल लगवाई, धक्के से लगवाई, वो लगाते नहीं कि एक कॉल लाइटनिंग लगने के 4 घंटे बाद दूसरी कॉल लगती है, उसको रोक दिखाया अपना कि मैं कौन हूँ, लगा दी कॉल। तो कॉल लगी तो मैंने उसको फाइनल बात पूरी कर दी, जब उन्होंने फाइनल बात सुन ली तो मुझे कहते हैं भाई साहब अभी तो 2 दिन हैं बाकी है, इसमें 3 दिन हैं, अमेरिका आपसे 12 घंटे बाद में है, तो मैं सुबह जो फ्लाइट जाती है ना वहाँ जाऊँगा,
सेंटर और जाके एडमिशन करवा के पूरी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करवा के आपको इन्फॉर्म करता हूँ और बच्चों को आने दो जिस वक्त भी आते हैं। तो मैं ये सारा करके तो वापस आया फिर एयरपोर्ट पे। उस वक्त मुझे 7 घंटे 6 घंटे लग गए थे ये काम करने में। तो वापस आया तो पता चला कि सारे पैसेंजर जो हैं वो एयरलाइन ले गई है कि उनका जहाज़ जो है ठीक हो गया दूसरा और उसमें वो जा रहे हैं। अब आपके पास कितना टाइम है मैं उतना बताऊँ।